सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन वॉर और होली का त्योहार करीब आते ही भारतीय बाजार में महंगाई अपने चरम पर है। होली का त्योहार नजदीक जैसे जैसे करीब आ रहा है, पेट्रोल डीजल सोने चांदी के साथ खाने वाले तेल व मसालों की कीमतें भी सातवें आसमान पर है। बीते 15 दिनों में सरसों तेल व रिफाइंड के भाव में 10 रुपए लीटर की तेजी आई है। इसी तरह 15 दिनों में हर तरह के मसालों की कीमत से 20 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। मसालों के साथ साथ अरहर दाल की कीमतों में भी उछाल आया है। इस होली के मौसम में खाद्य सामानों की कीमत में से आम लोगों की रसोई का जो बजट है वो पूरी तरीके से हिल चुका है। वहीं जानकारी के मुताबिक पिछले 15 दिनों में जीरा, धनिया, हल्दी, मेथी, मिर्च आदि की कीमत में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह से जीरे की कीमत के प्रति किलो 35 से 40 रुपए का उछाल आया है। इसके दाम वर्तमान समय में 290 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते इसकी कीमत 250 रुपए प्रति किलो थी। इसी प्रकार हल्दी की कीमत में 20 रुपए, वहीं धनिया 20 रुपए तथा मिर्च की कीमत में 15 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। आंकड़ों पर नजर डाले तो पिछले 6 सप्ताह से सरसों तेल की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। खुदरा दुकानों में वर्तमान समय में सरसों तेल के दाम 180 से ज्यादा यानी कि 180 से 190 रुपए प्रति लीटर है। इसी प्रकार रिफाइंड का दाम भी 170 रुपए प्रति लीटर है। दाल व सरसों तेल के खुदरा व थोक भाव में प्रति किलो 10 से 15 रुपए तक का फर्क देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।